नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में लगातार अपराध के हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं और अब तो अपराध की इस दुनिया में महिलाओं का कदम रखना मानो आम हो गया है, क्योंकि महिलाओं के द्वारा अपराध को अंजाम देने की ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तो एक ऐसा गांव है जहां पर लोग महिलाओं की हरकतों से परेशान हो चुके हैं और लड़कियों का फोन उठाते हुए डर रहे हैं, क्योंकि आरोप है कि ये महिलाएं नौजवानों को फोन कर पहले उनसे दोस्ती करती हैं, फिर उनसे वीडियो कॉल पर अश्लील बातें करती हैं, जिसके बाद अश्लील बातें करने का वीडियो को रिकॉर्ड कर लड़कों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठने का काम करती हैं। इसी के चलते छिंदवाड़ा में कई लड़के ठगी का शिकार हुए हैं और अब इसी तरह से जुड़ा एक और हनी ट्रैप का मामला इंदौर से सामने आया है, जहां एक नगर निगम के इंजीनियर हरिभजन सिंह ने थाने में ठगी का केस दर्ज किया है। हरिभजन सिंह का कहना है कि उसके साथ आरती दलाल और मोनिका नाम की दो महिलाओं ने पहले तो बातचीत की और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर इंजीनियर से 2 करोड़ रुपए की मांग करने लगी। इतना ही नहीं, पैसे ना देने को लेकर महिला ने युवक के वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी। इस मामले के बाद भोपाल से 3 महिला श्वेता विजय जैन, शुक्ला जैन और बरखा सोनी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो इस मामले में कई बड़े नेताओं के नाम भी सामने आए जो महिलाओं को ऐसा काम करा लाखों रुपए ऐंठ रहे थे। लेकिन अब इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। दरअसल जिन महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, उसी में से एक महिला ने इंजीनियर हरिभजन सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। साथ ही जेल अधीक्षक के माध्यम से DIG तथा कलेक्टर इंदौर को भी लिखित आवेदन देकर दुष्कर्म की FIR लिखने की गुहार लगाई है, जिसके बाद सामने आया कि पुलिस ने FIR लिखने से मना कर दिया था। लेकिन अब ये बात कोर्ट तक पहुंच गई है और अब कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया है कि जेल में बंद महिलाओं को कोर्ट में बुलाया जाए ताकि मामले की जाँच जज के सामने सही तरीके से हो सके। फिलहाल ऐसी खबरें सामने आना मध्य प्रदेश में आम बात हो गई है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाना ये बात कई सारे सवाल खड़ी करती है। इसलिए मामले की न्यायिक जांच सही तरीके से होनी चाहिए और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज एमपी। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।